मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं बारात आकर बहुत खुश हूँ। बारात में होने का ये अच्छा समय है। ना किया करें, अब जाहिर ये बयान बहुत कुछ बता रहे हैं। दुनिया के जो जो बड़े एम्बेसडर हैं, पीएम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो हैं वो इंडिया जाते हैं, जाके इतना खुश हो। फेवरेट इंडियन अटायर? सॉरी, नेम थ्री टाइप्स ऑफ मैंगोस। सफेदा, ओके, माल्टा, एंड अबाउट $1,500। दैट्स ग्रेट। हाउ डू यू से ऑल गुड इन हिंदी? बिल्कुल अच्छा। ठीक है, ठीक है। आपकी मुल्क की तरक्की का राज कब पता चलता है? जब दूसरे मुल्कों के लोग आपके मुल्क की तारीफ करते हैं। पाकिस्तान के अधिकारियों ने शहबाज शरीफ से मिलने पहुंची एक जर्मन मंत्री के पर्स में झांकना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड को ये राइट नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर की इंसल्ट करे। ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुँह पे अगर कोई फॉरनर मिनिस्टर आके हमारे मुल्क की इंसल्ट करके वापस चला जाए हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले बगैर। वहाँ पे कहा कि जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी डिटेल है, उसने कहा कि अपना जो बैग है थोड़ा चेक करा दे। तो उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया और वो वापस जाने लगी। उनको सोचना ये मुल्क के बारे में क्या मैसेज किया बताया ना मुझे, इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा। गैंग पाकिस्तानी, ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है कि कोई भी जो सफीर होता है वो किसी भी मुल्क का वो नुमाइंदा होता है, ठीक है, और उसके साथ इस तरह की हरकत करना, ये बिहाएंगा पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तानी नागरिकों ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के समक्ष अपनी नाक कटवा ली है और पाकिस्तान को हंसी का पात्र बना दिया है। जबकि दूसरी तरफ भारत में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को गर्व से सीना चौड़ा करने का मौका दे दिया है। कैसे इस चीज को खत्म करेंगे, कैसे तमाम मजहब को साइड पे रखेंगे, अपने अपने हाथ तक। आप मुसलमान हैं, आप अपने मजहब को फॉलो करें, जो कोई हिंदू है वो अपने को करे, सिख अपने को करे, इसको साइड पे रख के एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं। वो पंजाबी की मिसाल है, जो होता है ना वेला, जिसके अंदर कुछ नहीं तो ज़्यादा खड़कता है, वो ज़्यादा शोर करता है। तो हम मुस्लिम जो है ना, हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हमें खुद ना हमने कुरान पढ़ा होता है, ना हमें तफसीर का पता है, ना हमें सुन्ना का पता है। तो हम कौन होते हैं उनके रिलीजियस को डिस्टिंग्विश करने वाले कि वो ठीक है या वो गलत है, जबकि हमें अपना नहीं पता होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद सीखना है। ये उम्र भी कम है हमारे, 100 साल की उम्र भी कम है कुरान और हदीस पे अमल करने के लिए और उसको पढ़ने के लिए अकॉर्डिंग टू मी। तो जब हम इसको पढ़ेंगे सीखेंगे तो हमें बेहतर से पता चल जाएगा कि वो क्या है और हम क्या है हमारी। दरअसल हाल ही में एक साथ दो अलग अलग देश भारत और पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जिसे देख कर आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा। जहाँ पर भारत में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से प्रत्येक भारतीय व्यक्ति का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया प्रत्येक पाकिस्तानी व्यक्ति को गालियां दे रही है और पाकिस्तान पर थू-थू कर रही है। सबसे पहले आपको भारत की बात बताते हैं तो नॉर्वे की राजदूत एलेन स्टेनर ने हिंदी भाषा में अपना बयान देते हुए कहा कि मैं दिल से कहती हूँ कि मुझे भारत आकर बहुत ही अच्छा लगता है। भारत में मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ और भारत आने का यह बहुत ही अच्छा और खास समय है। नॉर्वे की राजदूत से जब भारत की संस्कृति और भारत के पहनावे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें साड़ी पहनना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वह भारत की संस्कृति और भारत के खाना को भी बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं। नॉर्वे की राजदूत का स्पष्ट हिंदी भाषा में क्लियर कहना था कि मैं जो बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ, मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं किसी भी भारतीय व्यक्ति के समक्ष उसके देश की बहुत ही ज्यादा तारीफ करूँ और पीठ पीछे उसके देश की ही बुराई करूँ। अब अगर हम इसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अधिकारियों ने शहबाज शरीफ से मिलने जा रही एक जर्मन के पर्स में झांकना शुरू कर दिया था और ये एक बहुत ही ज्यादा शर्मसार कर देने वाली घटना थी। हुआ ये था कि जर्मनी की एक मंत्री शुएजा सुलज जब शहबाज शरीफ से मिलने के लिए पाकिस्तान आई और वह शहबाज शरीफ से मिलने के लिए कार्यालय में प्रवेश करने जा ही रही थी, तभी पाकिस्तान के एक अधिकारी ने उनके पर्स में झांकना शुरू कर दिया। एक साथ अलग अलग देशों से वायरल हुई इन दोनों वीडियो ने दोनों देशों के परिवेश, वहाँ के रहन सहन और वहाँ के विकास का वर्णन कर दिया है और साथ ही साथ ये भी दिया है कि आज भी दोनों देशों में कितना ज्यादा अंतर है। एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई कि जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो फेडरल मिनिस्टर है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के आजम शहबाज शरीफ से मिलने उनके ऑफिस जा रही थी और जर्मनी पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स के जर्मनी पाकिस्तान को एड काफी देता है, ठीक है जी, जो खुली बात करनी चाहिए, ठीक है, और जर्मनी हेल्प करता है
जी ए प्लस स्टेटस में, इस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन वाकया ये पेश आया कि उनको सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पे कहा कि जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी डिटेल है, उसने कहा कि अपना जो बैग है थोड़ा चेक करा दे। तो उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया और वो वापस जाने लगी। जब वो वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप वापस आप चले जाएं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि बैग को सिक्योरिटी के वो जो गेट है वहाँ से निकालना मिनिस्टर साहबा ने अपनी तोहीन समझी। इसको पाकिस्तानी दो तीन एंगल से देख रहे हैं। एक एंगल तो ये है कि यार हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो आते हैं वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं और आप हमें कहते हैं कि बैग चेक करो, आपकी ये जरूरत। एक ये व्यू पाकिस्तानी जिसको इस एंगल से देख रहे हैं। दूसरा एक एंगल इसमें ये है कि शी इज़ हाई प्रोफाइल गेस्ट और प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रही हैं, शी इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उनकी ये चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी। दो व्यू जो हैं वो सामने आए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा लगता है दोनों व्यू ही ठीक है कि एक तो शी इज़ अ हाई प्रोफाइल गेस्ट, ठीक है, मिनिस्टर है, आई है, मिलना चाहती है, और अगर उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी हमें हम चेक नहीं कराएंगे तो ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सारे बड़ी इसमें इंसल्ट फील कर रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, हमारे मिनिस्टर जाएं तो आपने अगर कहना है कि जहाँ पे कहना है चीज़ें चेक करो, हम चेक करा देते हैं। ठीक है, जर्मनी हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है, जर्मनी की एक हिस्ट्री रही है कि वो पाकिस्तान के साथ कमर्शियल और इकोनॉमिक टाइज में उसने बड़ा मदद की है। थोड़े महीने पहले लाहौर के अंदर जर्मन एम्बेसडर का भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे जो पाकिस्तानी यंग यूथ थे उन्होंने जर्मन एम्बेसडर स्पीच दे रहे थे लाहौर में और कुछ पाकिस्तानी लड़कों ने नारेबाजी शुरू कर दी कि जर्मनी जो है वो बातें तो बड़ी करता है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की और पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लेकिन गजा के अंदर जर्मनी साइलेंट है, खामोश है, वहाँ पे आप कुछ नहीं बोलते, आपके डबल स्टैंडर्ड है, आप वहाँ पे खामोश रहते हैं जहाँ पे आपके इंटरेस्ट हों, बेशक वहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हों, बेशक वहाँ पे लोग जो है वो कत्ल किए जा रहे हों, और अगर पाकिस्तान की बात आई है तो आपने अगर $2-3 लाख एक अदारे को दे दिए हैं तो आप जो है वो जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, मतलब आप यहाँ पे आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन तो मिनिस्टर वो जो अम्बेसडर साहब थे, अम्बेसडर साहब ने इस पर शोर डालना शुरू कर दिया, चीख है बड़ा वो चलाया और उसने कहा चले जो बाहर यहाँ से अगर तुमने, तो वो लोगों ने बड़ी उनकी इस हवाले से बात की। देखिए मुझे ऐसे लग रहा है कि लार्जली जो बाहर से लोग आते हैं या जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, प्रोटेस्ट के बड़े